13 साल, जी हाँ 13 साल की जद्दोजहद के बाद म्यूनसिपल इलेक्शन हुए। होने ज़रूरी थे क्योंकि हर व्यक्ति की रीच जो है वो अपने एमएलए तक नहीं होती। अपना काम कैसे करवाया जाए, किसी ना किसी की तो ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत पड़ी कॉरपोरेट काउंसलर्स की, पार्षद की, कुछ भी आप कह सकते हैं। बट अगर बात की जाए कि कॉरपोरेटर्स के ऊपर भी कोई ना कोई उनको संभालने वाला होता है, उनकी बात सुनने वाला होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जम्मू के मेयर साहब की। बट शायद मेयर साहब सबके साथ वैसे नहीं जैसे सबके साथ होना चाहिए। ये एक ऐसी गुत्थी है जो आहिस्ता आहिस्ता उलझती जाएगी, इसको सुलझाया जाएगा, अभी सुलझाया जाएगा, विद इन मिनट सुलझाया जाएगा। हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये भी बात की जाएगी, क्योंकि इस समय जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो चर्चाएं कर रहे हैं, इनकी चर्चाओं का मेन कारण ही यही है, क्योंकि इनके साथ ना इंसाफी हुई है, वो भी किसी और द्वारा नहीं बल्कि चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा। आपको बता दें कि यहाँ पर यहाँ के काउंसलर भी, मतलब वार्ड नंबर 19 के काउंसलर भी मौजूद हैं। अमित जी से बातचीत करते हैं। अमित जी, आखिरकार जो आपको सुनने वाले, आम जनता को सुनने वाले, क्योंकि फादर ऑफ सिटी हैं, उन्होंने सुननी है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया वो कॉमन मासेस तक पहुंच ही नहीं पाए, क्या कारण रहा? देखिए, उनको कुर्सी का नशा हो चुका है बहुत बड़ा, जो आम जनता के साथ नहीं बैठ रहे हैं। अपने 4 लोग लाए, फ़ोटो खिंचवाई, नारियल फोड़ा और चले गए, बर्फ़ी खा के चले गए। वो कौन सा तरीका, अगर वो जाते नाले के अंदर जाते पता चलता नाले में कौन सा कितना काम लगा है। उनको ये नहीं पता इधर मोहल्ले कौन से पड़ते हैं, उनको मोहल्ले का रास्ता नहीं पता होगा कहाँ जाना है, चोपराता कहाँ पड़ता है, शायद उनको नहीं पता चोपराता। यहाँ के मौजी लोग हैं, यहाँ के प्रधानों को बुलाता, यहाँ के लोगों को बुलाता, उनके साथ बैठते, उनका वेलकम करते अच्छी तरह, सम्मान करते, इज्जत देते उनको, मगर ऐसा नहीं। उनको कौन सी कुर्सी का नशा चढ़ गया है वो समझ नहीं आता। आम जनता से तो बात नहीं करते अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। ये बस अड्डे के लोग कितने परेशान हैं, कभी उन्होंने सुध ली कोरोना के टाइम में, कभी इनसे पूछने भी आई क्या ज़रूरत है आपको, क्या ज़रूरत नहीं है। ये 2 महीने पहले से काम स्टार्ट था, कोरोना से पहले जब हमारे ऊपर राज्यपाल जी आए थे, हमारे जो पहले एक्शन थे यूएडी के, मैंने उनसे बात की, हमारा नाले का काम प्रोजेक्ट कहाँ तक का था, प्रपोजल चले गया, वो सेक्टर चले गया। फिर हमने ऊपर राज्यपाल को कहा था कि हाउस में आए थे, हमने कहा हमारे नाले का काम, उस टाइम उनके साथ पूरी टीम आई थी, हर डिपार्टमेंट आया था, उन्होंने ये काम स्टार्ट करवाया। जब पूरा काम हो रहा है, 2 महीने से पहले काम स्टार्ट था, आज क्या मेयर साहब को पड़ी थी आए और नारियल फोड़ अपनी सियासत करके चले। एक बार समझ नहीं आई, आपने कहा 2 महीने पहले काम चल रहा था, तो 2 महीने पहले काम चल ही रहा है तो आप दोबारा से वापस आके उद्घाटन किस बात का हो रहा है? यही तो सियासत है यहाँ की, देखिए वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं जो आम जनता के साथ तालमेल बना के क्यों नहीं चल रहे, कॉर्पोरेटों के साथ तालमेल क्यों बनाते। आपको लगता है कि आपके साथ तालमेल नहीं बना, क्या कहा? इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूँ, उन्होंने बड़ी बारी हाउस में बोला है या मीडिया के माध्यम से बोला है मैं कॉर्पोरेटर। कोरोना के टाइम पे हम सब कॉर्पोरेटरों ने, बीजेपी कॉर्पोरेटर भी है और कांग्रेस की इंडिपेंडेंट, उन्होंने मेयर साहब के खिलाफ मीडिया में प्रोटेस्ट किया है, उनको स्प्रे नहीं मिल रही, सैनिटाइजर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कितना इशू उठा मीडिया के माध्यम से, बहुत ज़्यादा। उन्होंने तालमेल कभी बनाया नहीं है कॉर्पोरेटरों के साथ, कभी बात की नहीं। आप देखिए इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट काम है नालों का, ये सबसे बड़ा मेगा 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम है, मतलब जीवल से लेके यहाँ तक बस अड्डे का नाला, ऊपर से अलग प्रोजेक्ट है नाले का, क्यों पानतीर्थी का नाला, सिटी के जितने नाले इस नाले से जुड़ते हैं, जब बरसात आती है ये पानी ओवरफ्लो के सिर्फ बस अड्डे के अंदर आ जाता है और लोगों के बिजनेस को फर्क पड़ता है, यहाँ मोहल्ले पड़ते हैं, चोपड़ाता को फर्क पड़ता है, साथ में रानी मंदिर पड़ता है, उनको इफेक्ट करता है ये नाला। मगर ऐसा क्या सियासत, आए फोटो खिंचवाई और चले गए। यहाँ के प्रधान को बुलाता मैं मुझे भी नहीं इग्नोर, मुझे भी इग्नोर कर दिया उन्होंने, अपने कॉर्पोरेटर को इग्नोर कर दिया। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि फिर वो आए किस लिए थे, क्या वो ये देखने आए थे कि कितना काम हुआ है या नहीं हुआ, बट अगर ये देखने आए थे तो फिर नारियल फोड़ने की क्या जरूरत थी? यही तो कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात को थोड़ा समझे ना, वो सियासत कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मैं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट के काम लगा रहा हूँ, देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, क्या अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नाले के अंदर जाके फोटो इतनी ज्यादा जरूरी होगी आम जनता ने। देखिए आज यहाँ के मौजी लोग हैं, पब्लिक खुद आके प्रोटेस्ट कर रही है, मैं इनको घर बुला के नहीं गया, मैं खुद पूरे 11 बजे पहुंचा यहाँ पे और लोग आगे खड़े थे, कहता मेयर साहब आए थे, मैं कहा आए कहाँ चले गए, वो कहता चले भी गए, मैं क्या क्या करने, कहता मैं आपसे बात की कोई मेरे हमारे से कोई बात नहीं की, ना उन्होंने आम जनता से बात की ना कॉर्पोरेटर से की अहमियत समझी, उन्होंने सिर्फ अपना नारियल फोड़ा, अपना काम किया, फोटो क्लिक की और चले गए। ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, पार्टी वालों को दिखाना है बीजेपी को, देखो मैं काम कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा एक कहें ब्लेम भी कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेटर साहब हैं वो इंडिपेंडेंट के, मतलब जितने भी पार्षद रहे हैं उनकी बात नहीं सुनते। क्या आपको क्यों लगता है कि जो इंडिपेंडेंट पार्षद हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए वो कुछ ही लोगों की बात सुन रहे हैं, और अगर वो सुन रहे हैं तो किन लोगों की बात सुन रहे हैं? देखिए उन्होंने कोई सुनते किसी की नहीं है, मनमानी कर रहे हैं, किसी की नहीं सुनते हैं,
सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी है, सिर्फ वो सियासत करने आए हैं, आम जनता की सेवा करने नहीं आए हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आम जनता की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान इंडिया को फर्स्ट रखते हैं, पार्टी को सेकंड रखते हैं, मगर मेयर साहब कुर्सी को फर्स्ट रखते हैं, पब्लिक को सेकंड और पार्टी को थर्ड रख रहे हैं। उनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दिखावा, फोटो खिंचवानी, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे आपके माध्यम से मैं आपसे ही पूछता हूँ, उन्होंने कोरोना के टाइम पे ऐसा कौन सा काम कर दिया? कभी उन्होंने कोरोना के टाइम किसी मोहल्ले में के किसी कारपेंटर से पूछा आपने काम कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस तरह चल रहे हो? राशन भी आया वो भी फिर डीसी ऑफिस चले गए वापस। ये मेयर साहब की नाकामी है ना, मेयर साहब ऐसा क्या कर रहे हैं? अगर नाले का काम लगा अच्छी बात है, लगा पब्लिक के लिए काम है, पब्लिक का फायदा है इसमें, बस अड्डे बिजनेसमैन का फायदा, मगर दो तीन महीने से पहले काम लगा, फिर आज आते हैं, वो आज आते भी हैं, वो सियासत करके चले जाते हैं। उनका फर्ज नहीं बनता आम जनता से बात करनी? बस अड्डे लोग, ये बस ये हमारे जम्मू के लोग हैं, डोगरे लोग हैं, इनसे क्यों नहीं मिले? वो यहाँ मोहल्ले पड़ते हैं, उनसे क्यों नहीं मिले? ये कितने परेशान है बस अड्डे वाले कि इनके रोजगार नहीं चल रहे, फड़ी वाले कितने परेशान है, इनकी फड़ियाँ नहीं लग रही, वो कैसे परिवार चला रहे हैं? ये मेयर साहब का फर्ज बनता है ना। अभी कोई सरकार नहीं है, ना कोई MLA, ना कोई मिनिस्टर, ना सरकार, इससे सिर्फ सरकार है लोकल अर्बन बॉडी की। क्यों? मेयर साहब इलेक्ट्रिक बंदा है और कॉरपोरेटर इलेक्ट्रिक लोग हैं, हम जितने कॉरपोरेटर सब इलेक्ट्रिक हैं और आम जनता के साथ हैं, मगर मेयर साहब का सिर्फ दिखावा है। देखिए यहाँ पे टैक्सी है कितनी बेकार, टैक्सी वाले लोग कितने, उनके घर का रोजगार नहीं चल रहा, बस ही नहीं चल रही, मेट्रोडोर नहीं चल रही, कितने परेशान है, 3 महीने हो गए हैं। ये फड़ी वाले बस अड्डे वाले कितने परेशान हैं, इनका रोजगार कैसे चलेगा? ये नाले की सियासत करके चले जाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनका फर्ज नहीं है जनता के बाद बैठना, बात करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये नाला ओवरफ्लो होता है तो आप उस साइड भी देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों को, जो जिनकी दुकानें वहाँ पर हैं, उनको कितना नुकसान होगा। सामने आप देख सकते हैं एक ढाबा भी है, वहीं अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर फड़ियाँ भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये फ्रूट की फड़ियाँ जो है वो सामने नजर आती हैं। एक साइड फ्रूट की फड़ियाँ हैं, सर मैं आपके पास आती हूं, एक साइड फ्रूट की फड़ियाँ, दूसरी साइड ढाबा है। और अगर इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से, सही ढंग से ख़त्म कर दिया जाता, मतलब बारिशों से पहले ख़त्म कर दिया जाता, क्योंकि कल भी बारिश जो है वो शुरू हो गई, अगर ख़त्म कर दिया जाता तो यहाँ के लोगों को परेशानी ना होती? मैडम जी, मैं मीडिया के माध्यम से जनाब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आगे ये अपील करना चाहता हूँ, और मैं प्रेजिडेंट रमेश कुमार टाग, जनरल बस स्टैंड जम्मू, ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन, और मेरे साथ हैं राजन गुप्ता जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं मेरे। और मैं जो आज हमारे मेयर साहब बस स्टैंड में आए हैं और इन्होंने हमको अपने हक में नहीं लिया, हमको बुलाया नहीं, इसी चीज़ का हम उनके ऊपर रोष प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो हमको बुलाते, हम उनको कई दिक्कतें जो हमारे लोगों को आ रही हैं वो हम उनको बताते, क्योंकि बस स्टैंड में काफ़ी सारे फड़ी वाले भी हैं जो रोज़मर्रा कमाते हैं, रोज़मर्रा खाते हैं, दुकानदार भी इधर वही हैं, रोज़मर्रा कमाते हैं, रोज़मर्रा खाते हैं, इतना कारोबार नहीं है। मगर कोरोना के काल, जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है तब से तो हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं, और मेयर साहब जिनका फ़र्ज बनता था हमको सूझबूझ हमारी लेते, वो उन्होंने हमको पूछा भी नहीं कि आपका क्या हाल है, कोई हमको, आपको हमारी कोई मदद चाहिए, किसी ने नहीं हमको पूछा। तो इस चीज़ से हमें गुस्सा है उन पर, और दूसरा उन्होंने हमको बुलाया नहीं, नाले के अगर प्रति बुलाते हमको, हम उनको बताते कि ऐसे ऐसे काम करो, कि एक साल से नाले का काम लगा हुआ है, 20 साल से हमने कोशिश करी है, इतनी एप्लीकेशन दी UED वालों को, म्यूनसिपलिटी वालों को, JDA वालों को, कि ये नाले का काम लगाओ, इधर काफ़ी सारी मौतें हो चुकी हैं। अभी हाल ही में पिछले साल एक लड़का पानी में बहकर जहाँ से चले गया, वो जहाँ पर रेडी लगाता था, वो अपनी रेडी बचाने लगा और वो खुद ही बह गया, उसकी डेड बॉडी दूसरे दिन जीव, वो भी जवान लड़का था, कुंवारा लड़का था बेचारा, और उसकी मौत आई थी। चलो हम ये नहीं कहते हैं, मगर उसको भी कुछ नहीं मिला। ये हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, हमने ये किया गरीबों के लिए, हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। 20 लाख करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट उन्होंने भेजा है लोगों को, गरीबों को राहत पैकेज दिया है, हमारे लोगों को किसी को नहीं मिला जी। ना किसी दुकानदार को मिला है, ना किसी फड़ी वाले को मिला है, ना किसी इधर मजदूर को मिला है। इधर हमारे कितने लोग बूट पॉलिश भी करते हैं, कितने गरीब लोग हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका फर्ज बनता है घर घर जाके, जो वहाँ के कारपोरेटर हैं, जो मोहल्ले के प्रधान हैं, उनको लेकर उस मोहल्ले मोहल्ले में जाते, एक एक घर में जाते, आपको क्या परेशानी है? ज़रूरी नहीं है कि किसी का मकान पक्का बना हुआ है तो ये शाहूकार बन गया, नहीं। बड़े बड़े ऐसे 3-3 मंजिल वाले लोग हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनको किसी ने नहीं पूछा, वो किसी के आगे ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी गवर्नमेंट की नलायकी है,
मैं इस बात पे उनके ऊपर दुख व्यक्त करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ठीक है, मोदी सरकार है, मोदी भी अकेला क्या करेगा, उसने तो ऑर्डर ही करना है, मगर जो आगे करने वाले काम उन्होंने कुछ नहीं किया जी। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ के लोगों को बुलाना चाहिए, जैसे हम प्रधान हैं इस एरिया के, जितने वो कारपोरेटर है अमित गुप्ता जी उनको बुलाते, हमारे जनरल सेक्रेटरी उनको बुलाते, लोगों को बुलाते, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते, मीटिंग करते तो हम कोई हल निकालते, तो वो उन्होंने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही खूब नारियल फोड़ कर चले गए, नारियल फोड़ा और चले गए, नारियल तोड़ा देखा चले गए। बट सबसे बड़ी बात जो हम बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं कि बात वो नहीं है, ये बात कही जा रही है कि कोरोना काल से पहले भी यहाँ पर ये काम लगातार चल रहा था। जब काम लगातार चल रहा था फिर उसका दोबारा उद्घाटन किस कारण था, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के लोगों से एटलीस्ट पूछा जाना चाहिए था कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या वो मांगते हैं, क्या उनकी ज़रूरत है, और एक पार्षद होने के नाते यहाँ के जो पार्षद हैं वो अच्छे तरह से इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकते थे कि उनकी वो आम जनता से मिलते हैं, रूबरू होते हैं। बट यहाँ पर ना तो किसी पार्षद को पूछा गया, ना किसी आम जनता को, बट बात की तो सिर्फ फ़ोटो दिखाने की, क्योंकि कल न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी तो चाहिए। बट फोटो से कुछ नहीं होता जनाब, आम जनता जब आपके साथ चले तो बात ही कुछ और होती है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए आम जनता का, क्योंकि इस समय भी अगर आप देखेंगे ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि इनके साथ हुआ तो गलत है, बट वहीं ये नाला ज्यों का त्यों है। हो सकता है कि कोरोना काल, जिस तरह से अभी भी कोरोना काल वैसे तो चल ही रहा है, बट इसके बाद काम शुरू हो, बट यहाँ पर उद्घाटन किसी भी बात का नहीं हो सकता था। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।